तो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम कुमार, स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल SK बैंकिंग, जिसमें आपको बैंकिंग, फाइनेंस, APS और इंडियन बैंक क्योस्क पोर्टल रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती है और बैंकिंग रिलेटेड। तो भाई बात करते हैं कि अगर आप एक CSP संचालक हो या फिर आप अकाउंट ओपनिंग का काम करते हो, एक अकाउंट ओपनिंग का, तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा होगा इस समय भाई, क्योंकि ना तो स्टेट बैंक तुरंत पासबुक दे रहा है, ना ही इंडियन बैंक, ना ही बैंक ऑफ बड़ौदा, ना ही पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि ये सब पॉपुलर बैंक हैं, फिर भी ये लोग पासबुक तुरंत नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन भाई मैं बता दूँ कि आप लोग को बहुत गालियाँ सुनना पड़ रहा होगा इस समय, क्योंकि हम लोग बहुत खाता खोले हैं बहुत कस्टमरों का, लेकिन अभी तक पासबुक नहीं मिला है। और कस्टमरों लोग आ रहे हैं हम लोगों के यहाँ, वो लोग बोल रहे हैं कि हमको सर जी पासबुक चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत हम लोगों को काम यहाँ पर अपलोड करना है, वहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ ऐसे पैसा मंगाना है, या फिर बहुत चीज़ों का LIC वैसा ऐसे ऐसा बहुत चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई मैं बता दूँ कि वो लोग बोल क्या रहे हैं कि सर जी या तो आप मुझे पासबुक दीजिए या फिर मेरा अकाउंट ही बंद करवा दीजिए, मैं कहीं और जाकर खुलवा लूँगा। आपका ना तो पासबुक मिल रहा है, ना ही पूरी तरह से काम रहता है, आपका खाता खुलवाने से फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों ये स्टेट बैंक के कस्टमरों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जो भी स्टेट बैंक का CSP संचालक है उन लोगों को भी बहुत परेशानियाँ करना पड़ रहा है। बैंक पे भी हम लोग कस्टमरों को भेज रहे हैं तो बैंक से भी पासबुक नहीं छप रहा है। अब भाई छप क्यों नहीं रहा है ये तो मुझे पता नहीं, वहाँ का साथ प्रिंटर बिगड़ा हुआ है, लेकिन प्रिंटर बिगड़ा हुआ 3 साल हो गए, अकाउंट ओपनिंग हुए 3 साल हो गए, ना तो कस्टमर का पासबुक छपा है और ना ही कुछ हो रहा है। हम लोग भी जा रहे हैं, BC लोग भी जा रहे हैं बैंक में छपवाने, फिर भी वहाँ पर पासबुक प्रिंटर का इशू बहुत है, छप ही नहीं रहा है कोई कस्टमर। एक तरह से मान लीजिए पासबुक प्रिंटर कहानी ही खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। अब स्टेटमेंट से काम हो रहा है, अब कहीं कहीं स्टेटमेंट को लगा देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन भाई कहीं कहीं पासबुक ही चाह रहा है। तो यही प्रॉब्लम हो रही है बैंक में, चाहे आप इंडियन बैंक के क्योस्क पोर्टल चलाते हो या फिर ये स्टेट बैंक के CSP संचालक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब, सभी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई इसका सलूशन जो है, आप लोगों को कोई कस्टमर आ रहा है आपके यहाँ तो उनसे बोलिए कि आप लोग बैंक पर चले जाइए, बहुत झिकझिक करता है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग उनसे मैनेजर से कॉन्टेक्ट करिए। मैनेजर से कॉन्टेक्ट करने के बाद उनको बता दीजिए कि इनका यहाँ से पैसा आने वाला है, बहुत ज़रूरी है, इनको पासबुक चाहिए, तो ऐसे से बता दीजिए और वहाँ पर एप्लीकेशन डालकर उनको दे दीजिए कि इनको बहुत ज़रूरी है, इनका पासबुक चाहिए। तो वो अगर मैनेजर अगर करने लायक होंगे तो कर देंगे, नहीं तो भाई कुछ नहीं हो सकता। और भाई एक उपाय बता दूँ कि अगर आप वो पासबुक प्रिंटिंग फाइल लेना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं। अब पासबुक प्रिंटिंग फाइल ये होता है, मैंने एक पहले ही वीडियो बना दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि उसमें आप कस्टमरों का अकाउंट नंबर और CIF नंबर, मोबाइल नंबर डालकर उनका जनरेट करके एक पासबुक का फोटो कापी दे सकते हैं, जिससे आप वो कस्टमर कहीं भी अपलोड करता है अपना मोहर मार्कर दे देंगे तो कहीं भी अपलोड करेगा वो तो उनका पूरा तरह से 100% वर्किंग करेगा। तो दोस्तों ये छोटी जानकारी कैसे ले, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।